बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपका जब मन किया आपने तब रुद्राभिषेक कर लिया। भगवान शिव की पूजा है और शिव इस सृष्टि के चक्र नाभि के केंद्र हैं, सृष्टि के केंद्र वही हैं, क्योंकि प्रलय वही है, संहार वही है। तो भगवान शिव की पूजा वैसे तो बड़ी सरल है, लेकिन थोड़े से रुद्राभिषेक के लिए नियम समझने चाहिए। कब अनुकूल होता है? देखिए, रुद्राभिषेक के लिए भगवान शिव की उपस्थिति देखना अत्यंत आवश्यक है। तिथियों के हिसाब से हम ये जानते हैं कि आज भगवान शिव स्मशान में होंगे, आज भगवान शिव समाधि में होंगे, आज भगवान शिव आनंद में होंगे, आज भगवान शिव देवताओं की सभा में होंगे। ये देखा जाता है चंद्रमा की पोजीशन के आधार पर। बिना शिव जी का निवास देखे हुए कभी भी रुद्राभिषेक ना करें, नहीं तो इसके परिणाम खराब हो सकते हैं। शिव जी का निवास देखना बहुत जरूरी है, लेकिन एक बात जानिए, जब आप किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए अभिषेक कर रहे हैं तब आपको भगवान शिव का निवास देखना चाहिए। लेकिन अगर आप केवल भक्ति के लिए अभिषेक कर रहे हैं, केवल श्रद्धा के लिए अभिषेक कर रहे हैं, कोई मनोकामना नहीं है, तब आप कभी भी कहीं भी कैसे भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कामना है कि विवाह हो जाए, आयु की रक्षा हो, संतान की प्राप्ति हो, वंश का विस्तार हो, शत्रुओं पर विजय हो, अगर कोई मनोकामना है आपकी, तो आपको भगवान शिव का निवास देखना पड़ेगा। जैसा उनका निवास मंगलकारी होगा, जब उनका निवास जब शुभ होगा, तब आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। देखिए, रुद्राभिषेक में जैसा आपको बताया कि हमें यह समझना होगा कि कब शिव जी का निवास मंगलकारी है और कब हम रुद्राभिषेक कर सकते हैं। आइए आपको बताते हैं। देखिए, हर महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया नवमी, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा अष्टमी और अमावस्या के दिन भगवान शिव मां गौरी के साथ रहते हैं, इस दिन आप रुद्राभिषेक आंख मूंद करके कर सकते हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और एकादशी, शुक्ल पक्ष की पंचमी और द्वादशी को महादेव कैलाश पर रहते हैं, इस दिन भी आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। कृष्ण पक्ष की पंचमी और द्वादशी को, शुक्ल पक्ष की षष्ठी और त्रयोदशी को भगवान शिव नंदी पर सवार होकर संपूर्ण विश्व का भ्रमण करते हैं, इस दिन भी आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। इन तिथियों में महादेव का निवास मंगलकारी होता है, जिसमें आप सकाम रुद्राभिषेक कर सकते हैं, यानी अपने कामनाओं की पूर्ति के लिए आप रुद्राभिषेक का आयोजन कर सकते हैं। तीन स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति, भगवान शिव माता पार्वती के साथ होते हैं, मंगलकारी समय है। भगवान शिव कैलाश पर होते हैं, मंगलकारी समय होता है। और भगवान शिव नंदी पर सवार होकर विश्व का भ्रमण करते हैं, ये भी मंगलकारी समय होता है। इसमें आप भगवान शिव के लिए रुद्राभिषेक कर सकते हैं, अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। जब भगवान शिव का निवास अनिष्टकारी होता है, उस समय में मनोकामना पूर्ति के लिए आप रुद्राभिषेक नहीं कर सकते। कब होता है? कृष्ण पक्ष की सप्तमी चतुर्दशी, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा अष्टमी और पूर्णिमा में भगवान शिव स्मशान में समाधि में रहते हैं, और समाधि से जगाने के परिणाम कामदेव भुगत चुके हैं। ऐसा करने का साहस मत करिएगा, इन दिनों में रुद्राभिषेक मत करिएगा। कृष्ण पक्ष की द्वितीया नवमी, शुक्ल पक्ष की तृतीया और दशमी को महादेव देवताओं की सभा में उनकी समस्याएं सुनते हैं, यहां पर भी रुद्राभिषेक नहीं हो सकता। कृष्ण पक्ष की तृतीया दशमी, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और एकादशी को
भगवान नटराज स्वरूप में क्रीड़ा में रहते हैं, उस समय भी रुद्राभिषेक ना करें। कृष्ण पक्ष की षष्ठी त्रयोदशी, शुक्ल पक्ष की सप्तमी और चतुर्दशी में भगवान शिव रुद्रदेव भोजन करते हैं, इन तिथियों में रुद्राभिषेक नहीं कर सकते। देखिए, एक फर्क समझ लीजिए, आपको शिव जी का निवास देखना तब जरूरी है जब आप किसी मनोकामना के लिए अभिषेक करने जा रहे हैं। अगर सकाम अभिषेक है, किसी मनोकामना का अभिषेक है, तो आपको भगवान शिव का निवास देखना पड़ेगा। लेकिन अगर ये सकाम अभिषेक नहीं है, केवल आप भक्ति के लिए, उनकी कृपा के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए अभिषेक करना चाहते हैं, कोई मनोकामना नहीं है, तो आप कभी भी किसी भी समय अभिषेक कर सकते हैं, तब आपको शिव जी का निवास देखने की जरूरत नहीं है। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है जब हमें ये देखने की जरूरत नहीं होती कि भगवान शिव का निवास कहाँ है, भगवान शिव के अभिषेक के लिए तिथियां कौन सी हैं, कब ये विचार नहीं करेंगे। शिवरात्रि का दिन हो, प्रदोष हो और सावन के सोमवार हो, तो इसमें आपको तिथियों का विचार नहीं करना है। सिद्ध पीठ में या ज्योतिर्लिंग के क्षेत्र में भी शिव जी के निवास का विचार करने की आवश्यकता नहीं होती। सावन के सोमवार इस मामले में बड़े कीमती माने जाते हैं और सावन का पावन महीना चल रहा है, तो मैं कहूंगा यही कि जब भी जिसको भी मौका मिले, सावन में रुद्राभिषेक भगवान शिव का जरूर करा लें, ताकि अगले एक वर्ष तक स्वास्थ्य की या जीवन की कोई भी मुश्किलें आपको परेशान ना करें। जो सिद्ध पीठ होते हैं या ज्योतिर्लिंग के क्षेत्र होते हैं, ये स्थान और समय सदैव मंगलकारी होता है, वहां पर आप रुद्राभिषेक कभी भी करवा सकते हैं, उसके परिणाम आपके लिए शुभ रहेंगे।